मंडलेश्वर में बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर बैंकों के निजीकरण का विरोध किया है। बैंक कर्मियों ने मंडलेश्वर में कैंडल जलाकर विरोध व्यक्त किया। मंडलेश्वर में बैंकों के निजीकरण का विरोध बैंकर्स द्वारा किया जा रहा है। मंडलेश्वर और आसपास की शाखाओं से बैंकों के कर्मचारी अधिकारियों द्वारा शुक्रवार की शाम मंडलेश्वर में बैंक ऑफ इंडिया के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। करही, धरगांव, महेश्वर और मंडलेश्वर स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नर्मदा मालवा बैंक के कर्मचारी और अधिकारियों ने निजीकरण के विरोध में कैंडल जलाकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने हम होंगे कामयाब गीत गाकर निजीकरण के खिलाफ सफल होने का संकल्प लिया। बैंक ऑफ इंडिया मंडलेश्वर के ब्रांच मैनेजर सोनू कुशवाहा ने बताया कि हम बैंकों के निजीकरण का पुरजोर विरोध करते रहेंगे। दो दिन की हड़ताल के बाद भी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो आंदोलन का स्वरूप बदल सकता है, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह विरोध आम जनता के लिए है क्योंकि निजीकरण से आम जनता को ही परेशानी होगी। सरकार को बड़े डिफाल्टरों पर कार्रवाई करना चाहिए, निजीकरण नहीं, क्योंकि जब खेत बंजर हो जाता है तो उसे उपजाऊ बनाने के लिए कारगर तकनीक अपनाई जाती है, न कि खेत ही बेच दिया जाता है। बैंक ऑफ इंडिया की अधिकारी मोनिका चावला ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर एक अच्छा और साहसिक कदम उठाया था। आज की मोदी सरकार निजीकरण कर देश की गरीब और मध्यम वर्ग जनता का नुकसान करना चाहते हैं। निजीकरण से सिर्फ कारपोरेट जगत का फायदा होगा, आम जनता का नहीं। इस अवसर पर अभय पोरवाल, विनोद गांगले, लंकेश यादव, रिचिता महावत, हर्षा त्रिपाठी, नम्रता किराड़े, साधना बघेल, राहुल बाउस्कर सहित बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी उपस्थित रहे। बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। इस साल के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा घोषणा की गई कि दो बैंकों का वो निजीकरण करने जा रहे हैं, जिससे बैंकों के निजीकरण से हमारा उद्देश्य है कि जो गरीब जनता का, आम जनता का जो पैसा है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बैंकों के निजीकरण से आम जनता का नुकसान होगा, क्योंकि जनधन योजना, सरकार की जितनी भी इन प्रकार की योजना है उसको सरकारी बैंकों ने, चाहे वो पीएम स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे वो सीएम स्ट्रीट वेंडर हो, इन सभी योजनाओं का लक्ष्य और आम जनता तक बैंकों ने जो सभी लक्ष्य पूरे किए वो सरकारी बैंकों ने किए। यहाँ पर अगर निजीकरण बैंकों की बात की जाए, उन्होंने सरकारी बैंक के मात्र 10% का लक्ष्य हासिल किया है, और साथ में ये जो किया जा रहा निजीकरण, इसके कारण कर्मचारी भी परेशान होंगे और साथ ही साथ आम जनता का पैसा भी नुकसान में जाएगा। इसलिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी भी दो दिन की स्ट्राइक की गई थी। आगे अगर सरकार हमारी निजीकरण का जो ये प्राइवेट निजीकरण को नहीं रोकेगी तो हम आगे भी लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे और अप्रैल में अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जाएगी। डिजियाना न्यूज़ निमाड़ रिपोर्ट, मंडलेश्वर।